पिछली कक्षा में हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा था, आज हम उसे जारी रखेंगे। यूज ऑफ ए, इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग। कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले ए लगता है, कुछ गिनती सूचक शब्दों से पहले ए लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ए डजन, ए हंड्रेड, ए थाउजेंड, ए मिलियन, वन एंड हाफ किलो। राइट इट डाउन, वन एंड हाफ किलो। ए कैन से ए किलो एंड ए हाफ। नेक्स्ट, हाफ के जी, हाफ के जी बराबर हाफ किलो, एक किलो। हम इसे ए हाफ किलो कहना गलत है, अगर हम कहते हैं ए हाफ किलो, ए हाफ किलो, तो ये गलत होगा। हम कहेंगे हाफ एक किलो, न कि ए हाफ किलो। वैसे ही वन फोर, गिनती सूचक शब्दों से पहले ए लगता है, जैसे आई हैव ए डजन एग्स, आई हैव ए डजन एग्स, ए लगेगा गिनती सूचक दर्जन, दर्जन। आई हैव ए हंड्रेड रुपीज, आई हैव ए हंड्रेड रुपीज, ए लगेगा। आई हैव ए थाउजेंड रुपीज, वैसे ही I have a thousand rupees। तो हमने देखा कुछ ऐसे गिनती सूचक शब्द हैं जिनसे पहले a लगता है। Next, let us see the next rule। अगला, पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए लगता है। पूरी वर्ग या जाति का बोध कराने के लिए
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए लगता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ ए इन डेफिनिट आर्टिकल. यूज ऑफ ए, जैसे ए काउंट इज एन एनिमल. एक पूरी जाति का बोध कराने के लिए काउंटेबल सिंगुलर नाउन, तो ये सिंगुलर है, काउंटेबल है गाय, इसके पहले ए लगा दिए, तो इसका मतलब पूरी गाय जाति से इसका संबंध होता है. ये बोध कराता है पूरे काउ वर्ग का, उस जाति का. दूसरा उदाहरण है, ए चाइल्ड नीड्स लव. ए चाइल्ड नीड्स लव. यहां सारे बच्चों के बारे में कह रहा है, यहां ए लगा देने से सारे बच्चे का बोध होता है, सारे बच्चों को प्यार चाहिए. वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, ए लायन विल नॉट ईट ग्रास. ए लायन विल नॉट ईट ग्रास. सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जब ए लग जाता है तो यह पूरे उस जाति का बोध कराता है, उस वर्ग का. तो यहाँ ए लायन विल नॉट ईट ग्रास का अर्थ हुआ ए लायन नहीं बल्कि पूरे लायन वर्ग, पूरे उसकी जाति घास नहीं खाएगी. नेक्स्ट, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा हम पहली बार करते हैं तब उस नाउन के पहले ए लगता है. यानी कि जब हम पहली बार किसी नाउन की चर्चा करते हैं और वह सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो ए लगता है. जैसे देयर वॉज ए किंग. There was a king. पहली बार चर्चा हुई है इसीलिए ए लगेगा. वैसे ही there was a lion in a forest. ये forest की lion की पहली बार चर्चा हुई है इसलिए ये पहले ए लगेगा. Hope it's clear to you. Now third, विभिन्न पेशों यानी कि व्यवसाय के नाम के पहले ए लगता है. विभिन्न पेशाओं या व्यवसायों के नाम से पहले ए लगता है. जैसे इट विल बी क्लियर, आपको क्लियर हो जाएगा उदाहरण से. जैसे I am a teacher. वैसे he is a doctor. Ram is a farmer. व्यवसाय के पहले ए लगता है. उम्मीद है यह पॉइंट आपको क्लियर हो गई है. अगला, जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है तब उसके पहले प्रायः इनडेफिनिट आर्टिकल लगता है, ए या आय. जैसे लेट्स सी एग्जांपल. My brother has gone for a walk. My brother
has gone. For a walk. यहां walk जो है noun है, उसके पहले a लगा हुआ है. वास्तव में walk क्रिया है, लेकिन यहां noun के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उसके पहले a लगेगा. वैसे ही दूसरा उदाहरण, she wants to have a rest. She wants to have a rest. Rest आराम करना, लेकिन यहां rest noun के समान प्रयुक्त हुआ है, noun की जगह, इसलिए इसके पहले a लगेगा. दूसरा, she gave a talk to students. She gave a talk to students. देखिए, वास्तव में talk बातचीत करना क्रिया है, लेकिन यहां noun के समान इस्तेमाल हुआ है, noun के रूप में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए पहले आर्टिकल a लगेगा. Hope it is very clear to you. The next point we shall see, and that is अगला नियम, ऐसे व्यक्ति के नाम से पहले जिसके विषय में उसके नाम के अलावा और कुछ हमें मालूम नहीं है, तो उसके पहले इनडेफिनिट आर्टिकल लगेगा. एक बार और, ऐसे व्यक्ति के नाम से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल लगेगा जिसके बारे में उसके नाम के सिवाय हमको कुछ पता नहीं है. जैसे ए मिस्टर जॉन gave me sweets. यहां देखिए, यानी जो मिस्टर जॉन है, इस नाम के अलावा वक्ता को कुछ मालूम नहीं है कि वो क्या है, कैसे है, इसलिए उसके पहले ए लगेगा. नाम के अलावा वक्ता को कुछ मालूम नहीं है उस व्यक्ति के बारे में, तो उसके पहले आर्टिकल ए लगेगा. एक और उदाहरण, ए मिसेस वर्मा वांट्स टू सी यू. ए मिसेस वर्मा वांट्स टू सी यू, यानी कि मिसेस वर्मा है, ये नाम के अलावा वक्ता को कुछ मालूम नहीं है, इसलिए इससे पहले ए लिखा जाएगा. नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. जनरली सामान्यतया प्रॉपर नाउन के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यदि किसी प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है, तो उस नाउन से किसी स्थान या व्यक्ति का बोध न होकर उक्त स्थान या व्यक्ति में निहित गुण का बोध होता है. यानी कि यदि किसी स्थान या व्यक्ति के नाम से पहले ए या एन लगा है, तो उस व्यक्ति के बारे में नहीं, उस स्थान के बारे में नहीं, बल्कि उसके अंदर, उसके अंदर जो गुण है, निहित गुण है, उसका बोध होता है. जैसे शी इज, उदाहरण देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको. शी इज ए
रियल लता, ये रियल लता से पहले ए लगा है, इसका मतलब उसके अंदर लता जैसे गाने का गुण है, गाना गाने का गुण है, तो गुण की चर्चा होने लगती है यदि किसी प्रॉपर व्यक्ति या स्थान से पहले ए लग जाता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, ही इज ए डैनियल, ही इज ए डैनियल, इसका मतलब डैनियल इन विजडम, ही इज ए डैनियल इन विजडम, यानी कि डैनियल जैसे विवेक है, बुद्धि है, विजडम है। एक और उदाहरण, ही इज ए दारा सिंह, ही इज ए दारा सिंह, यहां ए लग जाने से इसका अभिप्राय है कि दारा जैसे बलवान है, दारा जैसे शक्तिशाली है। एंड लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, अनेक इडियोमैटिक फ्रेसेस में ए का प्रयोग होता है। ऐसे भी कुछ इडियम्स हैं, कुछ फ्रेसेस हैं जिनसे पहले ए का प्रयोग होता है। तो अगला नियम हमारा है, कुछ इडियोमैटिक फ्रेसेस से पहले ए का प्रयोग होता है, जैसे ऑल ऑफ ए सडन, यहां ए लगेगा। वैसे ही ऑन ए लार्ज स्केल, ऑन ए लार्ज स्केल ए लगेगा, यहां भी ए लगेगा। और एक और उदाहरण, टू बी इन ए रेज, टू बी इन ए रेज, एक इडियोमैटिक फ्रेसेस है, इनसे पहले ए लगता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू यूज ऑफ ए, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज ऑफ ए, कहां कहां ए का प्रयोग होता है।